बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी 810 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, सुबह 6 बजे के करीब दर्जे हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 35 और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिर्फ 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, सस्ता और फौरी इंसाफ, मातहत अदालतों में मसालती निज़ाम लाने का फैसला कर लिया गया है। चौरासी थानों में 250 इन्वेस्टिगेशन अफसरान की कमी। शहर के मुतादिद इलाकों में बोकाटा डोर फिरने से नौजवान जख्मी। और आवाम के हक पर किसी को डाका डालने नहीं दूंगा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिर्फ 42 के सीनियर रिपोर्टर्स अकमल सोमरू और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम हसन और अकमल, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम हसन, आपसे शुरू करेंगे हमारी आज की लीड स्टोरी, सस्ता और फौरी इंसाफ, मसालती निज़ाम लाने का फैसला किया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे बेहतरी आएगी? सीमल, अगर बात की जाए ये मसालती निज़ाम की, तो हम अगर अपने गाँव या देहातों में देखें तो इस किस्म के निज़ाम वहाँ पर मौजूद हैं, पंचायत के अलावा। पंचायत तो कुछ और चीज़ है, लेकिन ये मसालियती निज़ाम ज़रूर है। फिर मसालियती कमेटियां हैं महल्ले की सतह पर, शहर में भी हैं। तो अगर ये निज़ाम आ जाता है, अगर ये वाकई इसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं इस निज़ाम के ऊपर, तो फिर किसी एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो किसी हद तक ज़रूर मिल सकेगा। ये नहीं है कि जिस तरह से वो अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं, बहुत सारे केस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना, निज़ाम आ जाता है तो ये बहुत अच्छा एक निज़ाम ज़रूर साबित हो सकेगा। सही। अकमल, आप क्या कहेंगे, एक सालसी का निज़ाम भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जजेस जो हैं वो सालसी मुकर्रर करेंगे दोनों फ्री कैन को मद्देनजर रखते हुए, तो क्या इससे हालात बेहतर होंगे इंसाफ की कैटेगरी में अगर देखा जाए? देखिए सिमल, हम दोबारा वापस उसी निज़ाम की तरफ जा रहे हैं जो निज़ाम यहाँ पर मकामी सतह पर लोगों ने खुद जो है मुरतब किया था, और उसके ज़रिए से मोहल्ले की सतह पर और कबाइल की सतह पर, देहातों की सतह पर लोगों को उनके हक, उनके राइट्स, उनको इंसाफ दिया जाता था। ये हम वापस उसी निज़ाम जा रहे हैं। अदालतों का निज़ाम तो अंग्रेज़ों ने बनाया था और उसको बाकायदा एक मुनज़्ज़म सिस्टम बनाया, इसी तरह थानों का निज़ाम भी अंग्रेज़ों ने बनाया। अब मामला ये है कि ये जो आइडिया है पूरा का पूरा, इसको लॉन्च करके इम्प्लीमेंट करने का बुनियादी हदफ तो इब्तदाई तौर पर यही नज़र आ रहा है कि वो शहरी जिनके सिविलियन केसेस होते हैं, जिन केसेस के ऊपर मुकदमात दर्ज नहीं होते, जिन केसेस के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती और वो अदालतों में चलते हैं, सिविल अदालत में चलते हैं, सिविल सूट होते हैं, तो इस नोयत के जितने केसेज हैं उनको एक अल्टरनेट सिस्टम के ज़रिए से इंसाफ फराहम किया जाए, और उसके लिए एक नया मैकेनिज्म डिफाइन किया जा रहा है। इस पर वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट है और इब्तदाई तौर पर 15 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो जारी कर दी गई है। क्या इससे दोनों फ्री कैन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे? अच्छा, क्योंकि ये आगे पेचीदगी है, इसमें आगे पेचीदगी है, बहुत ज़्यादा पेचीदगी है। अभी तो इसका इब्तदाई खाका है कि हम ये आइडिया लॉन्च करने जा रहे हैं और एनर्जी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसमें से हमें 4 किनार की बिल्डिंग दे दें, और उसके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी बात कर ली गई है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने इसको इनिशिएट किया है। अब ये तो इब्तदाई तौर पर है, सालिस कौन होगा, सालिसी कौन कराएगा, फिर इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि जो सालिस होगा उसका जो भी फैसला होगा उसको लीगली और कानूनी जो है वो प्रोटेक्शन फराहम की जाएगी, यानी कि सालिस नहीं, ये मैं इस चीज़ इसमें ऐड करूं। अब यहां पर जो है ना मसाइल पैदा होंगे, अगर आप सालिस की किसी भी फैसले को कानूनी प्रोटेक्शन फराहम करेंगे तो उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। बुनियादी तौर पर तो मकसद ये है कि दो फरीकैन के आपस के झगड़े और तजादात को हल किया जाए और उनकी रजामंदी से किया जाए। अब उनकी रजामंदी कैसे कैसे होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी, इस पर अभी वर्किंग करने की जरूरत है। जी हसन, आप क्या कह रहे थे इस खबर पर? ये है कि जैसे अगर हम मोहल्लों की बात करें तो जो वहाँ पे जो मसालियती कमेटियाँ हैं उसमें ये है कि एक जो भी इलाके का बड़ा है, जो भी थोड़ा सा असर और रसूख रखता है, और कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मामूली झगड़े की अगर हम बात कर लें,
تو وہ دونوں فریق بیٹھتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, بات ہوتی ہے. تو اس طرح کا نظام اگر آئے گا تو پھر کوئی حل کسی طرف جایا لیکن جا اس پہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق سٹرونگ ہے اور دوسرا ویک ہے, یہ تو اس کا انفلوئنس جو ہے وہ پھر انصاف پہ نظر بھی آئے گا. اور سالسی کا اگر پلڑا اس طرف چلا گیا اور اس کو لیگل حیثیت مل گئی تو انصاف تو پھر نہ ملا نا, انصاف تو پھر وہیں کا وہیں رہ جائے گا. بات یہ ہے کہ ابھی ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہے. ابھی ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ گلی محلوں کی سطح پر جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں اور مصالحتی کا کردار ادا کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب بہت کم رواج موجود ہے لاہور شہر کے اندر بھی کہ گلی محلوں کی سطح کی لڑائی ہو. دیکھیں لڑائی ہمیشہ, دیکھیں ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں, لڑائی ہوتی ہے نا, عمومی طور پر جو لڑائی ہوتی ہے نا یہاں پر, کلچر جو ہے وہ ہوتی ہے کمزور جیسے سونور نے پہلے کہا تھا طاقتور کے درمیان. دیکھیں کمزور اور طاقتور کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو شکست ہمیشہ کمزور کو ہوتی ہے. بہت ساری ہمیں مثالیں اس کی ملیں گی. طاقتور اور طاقتور وہ آپس میں پہلی بات لڑتے نہیں ہیں, اگر وہ لڑیں تو ان کا لڑنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے, وہ اس طرح سے نہیں لڑتے. اب اس نظام کا بنیادی ہدف تو یہ ہے نا کہ جو آپ کے عدالتیں ہیں ان میں اب اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز سنیں. بہت سارے ججز جو ہیں بہت سارے معاملات میں یہ ریمارکس دیتے رہے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر کیسز کا بہت زیادہ برڈن ہے. محلے کی سطح پر بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے, کوئی جھگڑا ہوتا ہے, وہ بھی عدالت میں کیس آ جاتا ہے. بہت سارے کیسز عدالت میں ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو جن میں پیچھے وکیلوں کی بھی جو ہے وہ منشا شامل ہوتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس سے ان کو فیسیں ملتی ہیں, ان کی آمدن ہوتی ہے, ان کو مالی فائدہ پہنچتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ شہریوں کو انصاف فراہم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ ایک الٹرنیٹ سسٹم بنا رہے ہیں, لیکن اس الٹرنیٹ سسٹم کے لیے ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. ابھی اس کے خد و خال بنانے ہیں, ابھی اس کے ضوابط بنانے ہیں, اس کے قواعد بنانے ہیں کہ ثالث کس بنیاد پر ہوگا, ثالث اگر فیصلہ کرنے کی اس میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے, اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوگا, وہ پبلک سیکٹر سے ہوگا. ابھی تو یہ بہت ابتدائی درجے کی بات ہے. ابھی اس کے اندر بہت ساری قانونی پیچیدگیاں سامنے آئیں گی. اب بہت سارے لوگ ثالثی نہیں کرنا چاہیں گے, وہ کہیں گے ہمیں عدالت سے فیصلہ کرانا ہے, ہمیں ججز سے فیصلہ کرانا ہے, ہم نے ثالث مقرر کرنا, یہ شخص باثر ہے, اس کی طاقت بہت زیادہ ہے, یہ انفلوئنس کرے گا فیصلے کو, انفلوئنس کرے گا ثالث کی زندگی کو کس طرح محفوظ بنایا جائے گا. پھر ثالث جو ہے کوئی کسی بڑے جھگڑے کے اوپر کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو کیسے پروٹیکشن فراہم کی جائے گی. اس میں بہت ساری ابھی پیچیدگیاں ہیں, بالکل صحیح, ٹرانسپیرنسی کس طرح سے رکھی جائے گی, یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کلچر نہیں ہے, اب لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں عدالت کی طرف, وہ کہتے ہیں عدالت ایک ادارہ بن گیا. اب تو ایون تھانوں پر بھی ٹرسٹ نہیں رہا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی آپ عدالت سے رجوع کر لیتے ہیں. لیکن ابھی تو ابتدائی طور پر صرف اراضی مانگی گئی ہے, ورلڈ بینک نے سپورٹ کیا, آگے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کمپلیکیشنز کو یہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. اگلی خبر ڈسکس کریں گے. ایک طرف ہم بات کر رہے تھے عدالتوں میں ثالثی نظام, مصالحتی نظام قائم کیا جائے گا جس کے تحت انصاف جو ہے وہ فوری فراہم کیا جائے گا. دوسری جانب یہ خبر میں ریحان گل کی پڑی تھی, لاہور کے 84 تھانوں میں انویسٹیگیشن افسران ہی موجود نہیں ہیں, ان کی کمی ہے. تو پھر کس طرح ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, کیسے پولیس چالان پیش کرے گی اکمل, اور انویسٹیگیشن متاثر نہیں ہوگی اگر 84 تھانوں میں انویسٹیگیشن افسران نہیں ہیں. اچھا, اس میں یہ خبر ایک تو یہ ہے کہ 84 تھانے نہیں, اس میں لاہور کے 53 ایسے تھانے موجود ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن آفیسر موجود نہیں ہیں. اور اس خبر میں پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ لاہور شہر کے بڑے اہم ترین تھانے جو ہیں وہاں پر بھی انویسٹیگیشن آفیسر موجود نہیں ہیں. اس میں اگر میں ایک دو تھانے بتا دوں, آپ دیکھیں کہ اکبری گیٹ ہے, برکی ہے, بھاٹی گیٹ ہے, گڑھی شاہو ہے, گارڈن ٹاؤن ہے, غالب مارکیٹ, گرین ٹاؤن, گلشن راوی, لمبی فہرست ہے, راوی روڈ, سمن آباد, شادمان, شیخ آباد, شادرا ٹاؤن, آپ کے 53 تھانوں کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہے. آپ سڑکوں کے اوپر فورسز کو دوڑا دوڑا کے شہریوں کو کیسے آپ پروٹیکشن اور وہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھانوں کے اندر جہاں پر ابتدائی طور پر ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں, اس کے بعد کیس کو ابتدائی طور پر تیار کیا جاتا ہے, وہاں پر آپ کے لیگل ایکسپرٹ ہی موجود نہیں ہے. آپ کیسے
مطلب آپ کو خدا کا خوف کریں یار, کس طرح سے کتنا آپ شہریوں کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو اعداد شمار ہیں, یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے جو آفیشیل ویب سائٹ بنائی ہے جس میں انہوں نے ڈیٹا مینج کیا ہے تمام تھانوں کا, اس کی رپورٹ ہے یہ کہ آپ کے تھانوں میں انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہے. حکومت کو سوچنا چاہیے, اور اس پر میرا خیال میں لاہور شہر کو آپ ایک طرف سیکورٹی اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں اور سیکورٹی کے نام پر آپ کیا کیا چیزیں انسٹال کر رہے ہیں, دوسری جانب جو آپ کا مرکز ہے جہاں پر جرائم کو پکڑنے والے جو لوگ ہیں, جو ایک ادارہ ہے وہاں پر سو بیسک فیسلٹی نہیں ہے یار, خدا کا اصل میں جب تک پولیس کا نظام یہ پراپر طریقے سے صحیح نہیں کریں گے تب تک نہ یہ جو ہماری لیڈ ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. یہ مسالتی جو نظام ہے یہ لانے کا کوئی فائدہ ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نئی فورسز جتنی مرضی بناتے رہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں ہے. نہیں, کیوں فائدہ نہیں ہوگا آپ بتائیں بھائی, جب جس نے چیزیں آگے لے کے جانی ہیں. او حضور, بڑا فائدہ ہوگا. نہیں, بچے سیر کر رہے ہیں اس کے اوپر, یہ بات آتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی, نہیں یہ ایک اور چیز ہے, وہ جو پیرو فورس ہے اس میں کیا ہے وہ دیکھا آپ نے یار, ایئر کنڈیشن, ہاں وہ بڑی گاڑیاں ہیں ٹویوٹا کرولا, سو رہے ہوتے ہیں سائڈ پہ گاڑی لگا کے. آپ لوگ نا کسی کو سہولت بھی نہیں فراہم کرنے کے یار, تو بھائی آپ کے اور ہمارے دیے ہوئے جو ٹیکس ہیں, لوگوں کے ٹیکس ہیں یار, یہ ان کے پول سے ہے یہ سب کچھ, آپ کے اور میرے دیے ہوئے نہیں ہے نا. وہ سمجھتے ہیں ہماری جاگیر ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, ہم جیب سے خرچ کر رہے ہیں, آپ کے اور میرے. تفصیلات میں دیکھیں, شہر کا ایک بھی تھانہ ایسا نہیں ہے جس میں انسپیکٹر لیگل جو ہے نہیں موجود ہے. دو بڑی فورسز بنائی ہیں, لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ انسپیکٹر لیگل ہوتا کیا ہے. میں نے ابھی پڑھا تو مجھے پتا چلا. آپ دیکھیں لاہور کے اندر دو بڑی فورسز انہوں نے تشکیل دی ہیں, ایک پیرو فورس اور ان کو ایگزیکٹو گاڑیاں دی ہیں. وہ آپ کبھی بھی شہر کی سڑکوں پہ گھومیں, وہ سائڈ پہ ٹھہرے ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے, اندر وہ بیٹھے ہیں سکون سے, چار چار بندے. آپ کو ڈولفن فورس والے آپ دیکھیں, وہ مسلسل پیٹرول پھونک رہے ہیں کیونکہ مفت کا ہے. لیکن نہیں اکمل, یہاں پر میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گی. ڈولفن فورس کا کام ہی گشت کرنا ہے, اور گشت کرنا ضرور ہے, لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہے. یہ وہی حساب ہو گیا کہ کہیں پہ ناکا لگا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو موٹر سائیکل پہ گزرنے والے ہیں ان کو روک رہے ہیں. گشت کرنا ہے, پیٹرولنگ کرنا ہے. گشت کرنا, آپ گشت کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کو گشت کرنے کے لیے جگہ کا تو صحیح انتخاب کریں نا. آپ جگہ پہ ٹھہرے ہوتے ہیں, مین روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں سارا دن. نہیں, میں نے لیکن ان کو ذیلی سڑکوں پر بھی دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. اور دوسرا, اس چیز پر مجھے بھی اعتراض ہوا تھا کہ گاڑیاں روک کر یہ جو کاغذ چیک کر رہے ہیں, لیکن جب اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں دیکھا اور پوچھا بھی, میں نے عرفان ملک سے بھی بات کی کہ یہ ان کی ڈومین میں آتا ہے یا نہیں, تو چوری کی گاڑیاں پکڑنے کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے مجھے یہ جواب ملا کہ وہ گاڑیوں کے پیپرز جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں جن کو یہ مشکوک. مجھے اگر کوئی ایکٹیویٹی, آپ نے وہ سین دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا, میں نے مال روڈ پہ دیکھا, ایک گاڑی کو روکا انہوں نے سائڈ پہ, اندر سے بندہ نکلا اور یہ سامنے یوں جو ہے نا یوں ٹھہر گیا ایک بندہ. میں پریشان, یار آپ کیسے چیکنگ کر رہے ہیں؟ وہ اچھا, اگر آپ کو شک ہے وہ دہشت گرد ہے یا کچھ ہے, آپ باقی وہاں سے جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو بھی آپ ٹیرر ڈال رہے ہیں. نہیں, اس میں میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں, اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا انویزیبل سیکیورٹی کی طرف جائیں. میں اس لیے اس بات لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آنی کیونکہ اس میں ان کے سیاسی اہداف نہیں حاصل ہوتے. ایک چیز اور ہے کہ ان کے پاس ایک سسٹم یہ موجود ہے کہ آن لائن ویریفیکیشن جو ہے وہ وہیکل کی کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ سسٹم موجود ہے. جب آپ کو سپوز کہ آپ کو شک پڑا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ اس میں کوئی ایشو ہے, یہ چوری کی ہے یا کوئی اور ایشو ہے, تو آپ وہ فوری طور پہ آپ وہ نمبر وہ آن لائن ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اس کی. تو اس طرح لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے اگر یہ سسٹم جو ہے موجود ایک, اس پہ جایا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. صحیح, لیکن فی الحال تو انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے, اور اگر عدالتوں میں چالان جو ہیں وہ پراپر طریقے سے پیش نہیں کیے جائیں گے تو پھر انصاف نہیں. دیکھیں, ہمارے ہمارے چیف جسٹس نے, اگر اس طرف آیا جاتا, چیف جسٹس نے اتنا بڑا بیان دیا تھا اور وہ تمام اخبارات کی بہت بڑی سرخی بنی تھی کہ ہمارے ہاں تھانے بکتے ہیں, پورا پورا تھانہ خرید لیا جاتا ہے اور شہریوں کو اور عام عوام کو انصاف نہیں ملتا, اور یہ تھانے بکتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. اب یہ کیوں بکتے ہیں, اس کو بیچنے میں کون کون شامل ہے, ملوث ہے, آج تک اس کی تحقیقات نہیں کی گئی. تھانے میں سب سے طاقتور ترین وہاں کا ایس ایچ او ہوتا ہے. نہیں جی, محرر ہوتا ہے, اور محرر جس نے وہاں پر آپ کا وہ سارا لکھنا ہے وہ درج نہیں کرتا. آپ نے شہر کے اندر, مجھے ایک دم یاد آ گیا, شہر میں انہوں نے کہا ہم نے ماڈل تھانے بنائے,
गढ़ी शाह का मॉडल थाना बनाया, ठीक है, अच्छा गढ़ी शाह का मॉडल थाना बनाया ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही नहीं है उसमें, इस खबर में लिखा है कि गढ़ी शाह थाने के अंदर जिसको आपने मॉडल थाना बनाया, पुलिस स्टेशन बनाया, वहां पर आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, और कोई खुदा का खौफ करो। थाना कल्चर की बात की जाती है, कहते हैं हमने थाना कल्चर को खत्म कर दिया है, हमने बेहतरी कर दी है, चीजें पुलिसिंग का निजाम बेहतर हो गया, ये सब फ्रॉड और धोखा और झूठ है, और झूठ फ्रॉड धोखा की बुनियाद पर ये आवाम से वोट भी लेते हैं और उसकी बुनियाद पर इक्तदार में भी आते हैं और ताकत अपनी जात की तरफ। अगर असल मसाइल की तरफ हम चले जाएं तो उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। अब राजू शाह की ये भी खबर है कि गंजबख्श रोड के इलाके में शहरियों को पानी नहीं मिल रहा है, एक तरफ जो मिल रहा है वो साफ नहीं है और कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। अब गर्मी शुरू हो चुकी है और आपको पता है किस कदर गर्मी है, पानी नहीं होगा पीने के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए, जिंदगी कैसे चलेगी। अव्वल तो सबसे पहले बात यह है कि लाहौर शहर में पीने का साफ पानी अवेलेबल है ही नहीं, लोग बॉटल वाटर पे चले गए हैं। और अब उस दिन मैं ये भी खबर देख रही थी कि मोर देन 100 ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको अनसेफ अनहेल्दी पानी दे रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मिनरल वाटर के ब्रांड्स आ चुके हैं कि उसमें आप ख्याल ही नहीं रख रहे हो कि पानी मिनरल है या नहीं है। लोग पैसे देके पानी खरीद रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो साफ है। सीमल बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नामवर ब्रांड्स हैं, उनका पानी ठीक नहीं है जो हम पीते हैं, ठीक है। सेकेंडली एक चीज और शुरू हो गई है, शहर के छोटे छोटे जो इलाके हैं ना वहाँ पे अब वाटर शॉप्स बननी शुरू हो गई हैं, उसमें बाहर वो फिल्टर आपको लगा नजर आता है। डर लगता है ये कराची वाली सूरत हाल ना हो जाए, जब पानी आपको गैलन्स में जो है वो खरीदना पड़ेगा। हालात उसी तरफ जा रहे हैं, कंटेनर आया करेगा आपको पानी, हालात उसी तरफ जा रहे हैं जब आपने प्रैक्टिकली जब चीजें सॉर्ट आउट ही नहीं करनी है, जो असल मसायल है उनकी तरफ नहीं आना आपने, तो फिर ये मसले इसी तरह के इसी तरह रहने हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे और वो बढ़ रहे हैं। ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना पानी, ना सीवरेज, बेतहाशा ऐसे मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, बड़ी बड़ी सड़कें बहुत बनती हैं लेकिन ज़ेली सड़कों पर जाकर जरा उनका हाल देखें क्या है। देखें सिमल, बात यह है कि ये पेरिस बना रहे हैं और जब आप किसी भी चीज़ की कॉपी करते हैं तो उसमें बड़े नकाइस होते हैं, तो इनके नज़दीक पेरिस ये है कि शहर को ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत बना दें, और शहर भी वो जो आम शाहराएँ हैं, जो मरकजी शाहराएँ हैं और उनके इर्द गिर्द के या उनके सेंटर में ग्रीन जो दिखता है वो बिकता, और साफ पानी मेरी बात सुने, उनके बच्चों को मिल रहा है, उन्हें मिल रहा है, बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं पानी भी, और अवाम को मिले ना मिले उनको इससे कोई गर्ज नहीं। अवाम चाहे पानी से मरे तो चाहे भूख से मरे चाहे प्यास से मरे, इससे उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उन्होंने वोट इसलिए नहीं लिया था, उन्होंने वोट लिया था हमने गटर लाइनें सीधी करानी है, हमने लेकिन आपके आपके इस कमेंट पर ही वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो कहते हैं कि फलाही मंसूबों पर तनकीद करना एक खास ग्रुप ने अपना वतीरा बनाया। वही है ना, फलाही मंसूबे यही है ना इनके नजदीक, गटर सीधे कराने, फलाही सड़कें बनाने। देखें फलाही मंसूबा की तारीफ है ना, तारीफ हॉस्पिटल, आप इनसे पूछें आपके नजदीक फलाही मंसूबे की क्या तारीफ, क्या तारीफ है, देखें आप डेफिनेशन क्या, वो अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है, वो इस वक्त 100 में से 105 नंबर ले रहे हैं, वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। मेट्रो ऑरेंज को भी शायद फ्लाई मंसूबे में कंसीडर करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, फ्लाई मंसूबे की तारीफ वो है जो 180 शाहरा के ऊपर, जो 90 शाहरा के ऊपर यहाँ पर बैठकर उस फ्लाई मंसूबे की तारीफ बनाई जाती है, लिखी जाती है, और अनकरीब बहुत करीब हो सकता है तदरीसी कुतब में भी फ्लाई मंसूबों की इनकी तैयार करदा तारीफ को हिस्सा बनाया जाए और वो लोगों को बताया जाए फ्लाई मंसूबा क्या होता है, फ्लाई काम क्या होते हैं, तो ये उसमें बताएंगे। मतलब इतने बेशरम हैं ये लोग, इनको थोड़ी रत्ती भर भी शर्म हो ना तो यकीन जानिए कि शहरियों का ये बुनियादी मसला जो है पानी, शहरियों का बुनियादी मसला जो है सेहत, लाहौर शहर में हम बैठे हैं, मुझे बताएं कितने नए हॉस्पिटल बनाए, जो हॉस्पिटल मौजूद हैं आप उनकी हालत जाकर देख लें, आपको कहां मतलब शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, एक प्रॉपर बेड आपको नहीं मिल सकता है अगर आप इमरजेंसी में चले जाएं, वही बात है, आप कार्डियोलॉजी चले जाएं, ठीक है, किस कदर रश है उसकी वजह क्या है, एक प्रोजेक्ट बना था वजीराबाद में, वो बिल्डिंग खड़ी है, इनकी हुकूमत में नहीं बना था, मतलब दैट इज ऑब्वियस कि पुरानी हुकूमतों कार्डियोलॉजी में देखे ना, वो जो एप्टमा है, जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, वो एक 100 बेड की
स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी बनाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट भी हो चली है, लेकिन अब आगे देखना है कि रश तो कम नहीं हो रहा, रश तो बढ़ रहा है। कब तक मुखैर हजरात जो हैं वो तो अपना हिस्सा डालते रहेंगे, लेकिन हुकूमत मुखैर हजरात हुकूमत इतना अच्छा काम कर रही है और इंतहा खूबसूरत काम कर रही है कि वो लोगों को अस्पतालों में जाने से बचाने के लिए सड़कें सीधी कर रही है, सारा कुछ सीधा कर रहा है ताकि रश में ना हो, पेट्रोल में ना हो, ट्रैफिक की जो सौती आलूदगी है उसमें ना हो। तो ये हकूमत बहुत कुछ कर रही है, खेलों के मैदान आप खत्म कर रहे हैं। लेकिन बस अब हकूमत को सोचना पड़ेगा कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू और हसन अली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे जिसमें आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे। सबसे पहले बचत बाजार। जी हमारे पास ब्रांड्स हैं, सबसे पहले फोकस, और फोकस पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट है जी निमसे, और निमसे पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो नेशनल पिकल जार है जी 1 kg का, रिटेल प्राइस 250, प्रमोशनल प्राइस 199, 51 rupees आप बचा सकते हैं। प्रिंगल स्नैक्स हैं 110 grams, रिटेल प्राइस 185, प्रमोशनल प्राइस 145, 40 rupees आप बचा सकते हैं। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 5:45 वॉक टावर सुपर सिनेमा 3, 5 बजे सिनेस्टार में। मालिक लगी हुई है 7:30 बजे रॉयल पाम ऑरी 2 में, 7:45 बजे वॉक टावर सुपर सिनेमा 2 में। द जंगल बुक 3D 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे रॉयल पाम ऑरी 2 में, 3:15 बजे और 5:30 बजे वॉक टावर सुपर सिनेमा 2 में। फैन मूवी लगी हुई है 9 बजे, 12 बजे वॉक टावर सुपर सिनेमा 1 में, 10:15 बजे रॉयल पाम ऑरी 2 में। कियन का 5:30 बजे, 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में, 2:30 बजे वॉक टावर सुपर सिनेमा 2 में। और नाज़रीन यहां पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुश आमदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ साबिक आईजी पंजाब स्टूडियो में मौजूद हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के चेयरमैन हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ओलंपिक्स एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के, शौकत जावेद साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, क्या जी? वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी मसरूफियात चल रही हैं आजकल? माशाल्लाह, बस आजकल चूंकि मैं रिटायर हूँ, मेरी ज्यादा तवज्जो जो है वो लिखाई पढ़ाई की तरफ और खेलों की तरफ है। खेलों की तरफ है। अच्छा, शुरू से आपको स्पोर्ट्स पसंद थी? मैं शुरू में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, उसके बाद पाकिस्तान पुलिस में मैं आ गया, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। तो शुरू से ही फिजिकल फिटनेस का और इन दोनों महकमों की रिक्वायरमेंट भी थी, तो खेलों में ये दोनों महकमे बहुत तवज्जो देते हैं इस तरफ से। पाकिस्तान पुलिस ने हॉकी के बहुत नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं, मुनीर डार थे, गार्डनर थे जो गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा थे, उसके बाद शहबाज जूनियर थे, कासिम खान थे हमारे राइट आउट होते थे, बहुत ये सारे पुलिस के खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खिलाड़ी पाकिस्तान के रहे हैं। और पुलिस सर्विस में आ गया, हाँ, बस वो फिर मैं जब पुलिस सर्विस में आया एज ASP, तो उसके बाद फिर उसमें दर्जा बदर्जा तरक्की करते करते फिर अल्लाह के फजल से
मैं इंस्पेक्टर जनरल के अहदे पर पहुंचा और मेरी आखिरी पोस्टिंग भी आईजी पंजाब थी। आईजी पंजाब थी और पंजाब से ही आपका ताल्लुक है जी। तो बड़ा प्राउड होता है कि बिगेस्ट पोस्ट जो है वो प्रोविंस की आपको मिली। जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का करम है और उसकी ज़रा नवाजी है, वरना बहुत काबिल काबिल अफसरान मौजूद हैं यहाँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पुलिस में एज एएसपी? आप सबसे पहले कहाँ पर पोस्टेड हुए? जी मेरी पोस्टिंग जो है वो शेखुपुरा से स्टार्ट हुई थी। That was back in 76. 76. जी, that's a long time. तो वहाँ से फिर मैं पाकपतन में रहा, फिर मैं डेरा गाजी खान भी रहा, मैं सरगोधा भी रहा, फिर मैं एसपी के अहदे पर प्रमोट हो गया तो मेरी इस्लामाबाद में तैनाती होगी। फिर वहीं मैं एसएसपी बना, फिर मैं जेलम में भी एसएसपी रहा। अच्छा। उसके बाद गुजरांवाला में भी रहा, फिर मैं एक साल के लिए। और सारे टेन्योर में लाहौर में आपकी पोस्टिंग नहीं? नहीं, इस दौरान में नहीं हुई। इस दौरान में हुई शुरू में, मैं एएसपी इधर गुलबर्ग और कुर्बान लाइन्स में था। अच्छा। मेरी पहली बल्कि रेगुलर पोस्टिंग यहाँ से थी। तो उसके बाद फिर मैं एक साल के लिए अमरीका चला गया ह्यूबर्ट हम्फ्रे फेलोशिप के लिए, और वहाँ से वापस आके उसके बाद मैं AIG फाइनेंस रहा, फिर मैं DIG के अहदे पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में चला गया। बाद में मैं DIG कई रेंजेस में रहा, लाहौर में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में, मुल्तान में, और उसके बाद मेरी फिर एडिशनल IG के रैंक पे तरक्की हुई और बाद में मैं फिर IG पंजाब। अच्छा, लाहौर पंजाब के अलावा मुख्तलिफ सूबों में आपने सर्व किया? जी, मैंने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सर्व किया और उसके अलावा एक वफाकी अदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैंने उसमें कुछ 6 साल मैं इस्लामाबाद पुलिस में रहा हूँ और 6 साल के करीब ही मैंने। अच्छा, डिफरेंस है कैपिटल पुलिसिंग में और कैपिटल पुलिस? फर्क पुलिस है, उसमें तमाम सूबों के लोग जो हैं वो उसमें भर्ती किए जाते हैं ताकि उसका एक मरकजी, उसकी एक शनाख्त रहे। उसमें सिंध से भी लोग हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं और पंजाब से भी हैं। उसका एक अपना कल्चर था, हुकूमत चाहती थी कि उसको एक मॉडल पुलिस बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो उस तरह से बन नहीं सकी। बिल्कुल सही। अच्छा, ड्यूरिंग योर पॉलिसिंग टाइम जिसमें आप पुलिसिंग करते थे और मुख्तलिफ अहदों पर तैनात भी रहे, उसमें ज़्यादा आपको मज़ा किस में आता था, इन्वेस्टिगेशन साइड पर या ऑपरेशन साइड? देखिए, हमारा जो काम होता है सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का, वो सुपरविजन होता है जिसमें हमने जो वॉच एंड वार्ड का स्टाफ है जिसको ऑपरेशन स्टाफ करते हैं उसकी भी सुपरविजन करनी है, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन वालों की भी सुपरविजन करनी है। तो हमारी वो जो होराइजन है ड्यूटीज़ का वो बड़ा वसी होता है, इसलिए वो दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है कि प्रिवेंशन साइड भी। अब तो खैर वो विंग्स अलग अलग हो गई हैं, अब अलग से इन्वेस्टिगेशन एसपी हैं, अलग से ऑपरेशन। ऑब्वियसली आप ज़्यादा इन्जॉय तब करते हैं जब आप कोई बहुत बड़ा केस जो है उसको आप डिटेक्ट कर लेते हैं, या आपके जो मतहत अमला है वो आपकी सुपरविजन में उसको डिटेक्ट करता है, तो उस वक्त आपको ज़्यादा अचीवमेंट की एक सेंस आप में आती है। या आपको ऐसा मुल्ज़म पकड़ते हैं कि जिसने आवाम का जीना दोभर किया हुआ है और लोग उससे एक साई ऑफ रिलीफ महसूस करें, तो इस तरह के काम करके। और अगर फिर आप किसी ऐसे शख्स की या ऐसी खातून की जो जिसको माशरे ने तंग किया हुआ है और आप उसकी मदद करते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, तो फिर आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ जो है वो आपको महसूस होता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं। अच्छा, आप पर्सनली अटैच हो जाया करते थे केसेस के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं, बहुत से विक्टिम्स ऐसे आते हैं जिसके साथ आपकी पर्सनल एफिलिएशन भी हो जाती है कि आपको उनकी पेन जो है वो फील हो रही होती है, तो वो हाँ बहुत कुछ देखा मैंने। मैं मिसाल देता हूँ, बहुत सी तो जगहों पे आप किसी भी केस को चैलेंज लेते हैं, बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि इस इलाके में क्राइम होने नहीं देना, यही चैलेंज है, तो उसके लिए आप मनसूबाबंदी करते हैं। बाज़ औक़ात कोई क्राइम वहाँ पर हो जाता है तो फिर आप उसको डिटेक्ट करने का चैलेंज लेते हैं कि मैंने इसको ज़रूर पकड़ना है, और वो भी आपके लिए चैलेंज बनता है। बट मुझे एक ये भी रहा कि मैं 3 महीने के करीब उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ में रहा एज ASP। अच्छा, अच्छा। और बाद में उनको 3-4 महीने जब अनफॉर्चुनेटली वो एक अक्यूज्ड पर्सन की हैसियत से हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया हुआ था, तो मैं उनको जेल से लाता भी था और कोर्ट रूम में उनके साथ बैठता भी था और फिर उनको वापस भी लेके जाता था। तो इस दौरान में उनसे बहुत सारी बातें भी होती थी, तो वो बातें भी मेरी यादों का एक हिस्सा है। obviously, जो कुछ अगर आप उसमें से शेयर करना चाहें हमारे साथ। बेशुमार बातें होती थी उस वक्त, और वो कई दफ़ा बताते थे कि ये दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल दोबारा खड़े हो जाएंगे,
मुझे जो इन्होंने ये जो मार्शल ला लग गया उसकी वजह से और पाकिस्तान को रीप्रोसेसिंग प्लांट नहीं मिलेगा, ये बातें उनकी दोनों दुरुस्त साबित हुई बात बिल्कुल सही। और भी इस तरह की बहुत बातें करते थे कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं आके क्या करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिल सका। वो सही। अच्छा, अभी अगर हम बात करें, कंपेरिजन करें उस दौर की पुलिसिंग का और आजकल जो डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, डिफरेंट फोर्सेज आ रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, चैलेंजेस बहुत बदल गए हैं। पहले एक वक्त था कि जब एक रूरल सोसाइटी थी हमारी, ज़्यादा इस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, इंटरनेट इस तरह से नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन के ज़राए इतने ज़्यादा नहीं थे। आप देहात में ज़्यादा लोग रहते थे और देहात में अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती थी तो आप बाज़ोकात खोजियों के ज़रिए से, बाज़ोकात उसको पंजाबी में कहते हैं गवेड़ लगा के, अपना हिसाब किताब करके तो मुलज़िमों तक पहुंच जाते थे। अब यह कि हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है और मुलज़िम जो है वो मोटरसाइकिलों पे आते हैं, मुलज़िम अब ट्रकों पे आते हैं, वो ऐसी चुरा के ले जाते हैं, जो डाकू हैं वो गाड़ियों पर आते हैं, तो इस तरह से वो अब ना वो आप पीछे को खुरा गाड़ियों पे क्या, डाकुओं के पास तो जदीद असलहा तो मौजूद है, शायद हमारी पुलिस के पास भी नहीं है, जैसे अभी रिसेंटली भी हो रहा है वो छोटू गैंग के नाम पर। दुरुस्त है आपकी बात। तो इस सूरत हाल में पुलिस के चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस का महकमा है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग या उस पर जो अखराजात होने चाहिए वो उस लेवल के नहीं हुए जिस लेवल पर उसके मतकाजी थे। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि जब कोई नई पॉलिसी, नई फोर्स बनाई जाती है, जैसे अभी रिसेंटली पीरू फोर्स आई, डॉल्फिन फोर्स आई, लेकिन उससे कब एलीट फोर्स की मिसाल भी हमारे पास मौजूद है कि एलीट फोर्स आई और उसके बाद वो प्रोटोकॉल साइड पर चली गई, उसको जो उसका काम था, जो उसकी डोमेन मुकर्रर की गई थी वो नहीं हो सका। ये प्रोटोकॉल कल्चर जो है ये कितना ज़रूरी है, आपके टेन्योर में इसकी क्या सूरत हाल थी? इसी तरह से ही था, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इरोड हो रही थी। वजह यह है कि जब तक आप पुलिस के महकमे को ऑपरेशनल अटोनमी नहीं देंगे, ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अटोनमी नहीं देंगे, उस वक्त तक उसमें सियासी अमल दखल रहेगा और जब सियासी अमल दखल रहेगा तो सियासी लोग जो हैं उनको वोट लेने की प्रायोरिटी होती है उनकी, तो वो वोटर को मुतमईन करने की खातिर बाज़ोकात उस वोटर की गलत बात पे भी उसके साथ चल पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका वोट बैंक जो है वो काम ना हो। जबकि पुलिस का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको इम्पार्शली काम करना चाहिए, तो इम्पार्शली काम करने की वजह से कि एक ज़रूरत है कि पुलिस का एक ऐसा कानून हो जिसके तहत पुलिस के जो अफसरान हैं उनको ऑटोनॉमी हासिल हो, वो अपने फैसले खुद कर सकें और बिल्कुल इम्पार्शल तरीके की पुलिसिंग कर सकें। तो ये ना क्या, तो हम क्या ये मुमकिन है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दिया जाए? बिल्कुल मुमकिन है और उसके लिए सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट है वो है कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जो कि पुलिस को ये ऑटोनॉमी फ्राहम करे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक वही दक्यानुसी कानून 1861 का चल रहा था और जिसमें एक पहली तब्दीली जो मीनिंगफुल तब्दीली आई वो 2002 में आई जब एक पुलिस ऑर्डर नया नाफज किया गया, तो उसमें भी गलती हुकूमत ने ये की कि यकदम पूरे सिस्टम का तिया पांचा कर दिया। हालांकि ये तब्दीली जो थी अगर बतदरीज आती, पहले बड़े शहरों से शुरू होती और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूरल एरियाज़ में जाती तो फिर शायद इसमें ज़्यादा बेहतरी का इम्कान थे। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि ये कानून जो है 2002 में एक मिलिट्री डिक्टेटर ने नाफज किया था, इस वास्ते उस कानून को की वो पजीराई नहीं हुई जो उसकी होनी चाहिए थी। और दो सूबे इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान तो वापस 1861 के कानून पे चले गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने बहुत अच्छी उसमें अमेंडमेंट्स की हैं। खैबर पख्तूनख्वा एक बिल्कुल नया कानून अच्छा, बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो अब वो कहते हैं कि हमने पुलिस को जी वो उन्होंने वहाँ पे उनको ऑटोनॉमी दी है, लेकिन ये ऑटोनॉमी पर्सन स्पेसिफिक है, इस वक्त कानूनी तौर पर उनको नहीं दी गई। ये है कि उस यहाँ वहाँ की जो हुकूमत है उसने ये खुद एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हमने पुलिस के मामला में इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन कल को कोई और शख्स आ जाएंगे तो वो फिर इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगी। चुनाचे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने मिल के एक कानून बनाया है जिसको अभी वहाँ की असम्बली ने पास करना है। एक दफ़ा वो कानून पास हो जाए तो उसके बाद वहाँ पर एक देर पा किस्म की अच्छी पुलिसिंग की इब्तदा हो जाएगी। बिल्कुल सही। और पंजाब में इस तरह का कानून मौजूद है। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद नहीं होता। उस कानून के तहत IG की और DPO की पोस्टिंग टेन्योर पोस्टिंग है,
تین سال سے پہلے ان کو تبادلہ نہیں کیا جا سکتا, اور تبادلہ کرنے کے لیے ایک پبلک سیفٹی کمیشن کا ایک ادارہ ہے, اس کے پاس جانا ضروری ہے. لیکن ہماری حکومت نے پبلک سیفٹی کمیشن بنایا ہی نہیں ہے. ایک اور ادارہ ہے جو پولیس کے کام کو اوورسی کرے گا, وہ ہے پولیس کمپلینٹ اتھارٹی, وہ بھی نہیں بنائی گئی. تو یہ قانون میں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن اس پر عمل درآمد امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اچھا یہاں پر سر جنرلی بھی, ابھی تو آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کر رہے تھے اور پولیس کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی بات کر رہے تھے, جنرلی بھی ایسے قانون موجود ہیں, ایسے لاز موجود ہیں جو عوام کی سہولت کے لیے عوام کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس کی ریزن کیا ہے؟ کہاں پر سسٹم کی خرابی ہے یا لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے؟ نہیں, دونوں چیزیں ہیں, لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سسٹم کی خرابی اس طرح سے ہے کہ جو سیاسی انٹرفیئرنس ہے بہت زیادہ ہے, اور ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے پورے کا پورا وہ ری ویمپنگ مانگتا ہے. اور جو اس وقت نیشنل ایکشن پلان حکومت پاکستان نے ایک بنایا ہوا ہے, اس میں 20واں نقطہ کرمنل جسٹس سسٹم کی ری ویمپنگ ہے, اس کو یعنی بہتر کرنا ہے. اور کرمنل جسٹس سسٹم کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو اس میں پولیس آتی ہے, اس میں عدلیہ آتی ہے, اس میں پروسیکیوشن کا محکمہ آتا ہے, اس میں جیل کا محکمہ آتا ہے, اور اس میں ریہیبلیٹیشن کا محکمہ آتا ہے جس کو جو کہ ملزموں کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں, تو پروبیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن, تو یہ سارے محکمے اس میں آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس طرف کوئی کام نہیں ہو رہا, اور نہ ہی اس پر سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور نہ ہی قانون سازی کی جا رہی ہے, نہ ہی ٹریننگ دی جا رہی ہے, نہ ہی ان کو ضروری ساز و سامان مہیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن تھانہ کلچر حکومت کہتی ہے ہم نے ختم کر دیا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پر میں بات کرنا چاہوں گی. اور بہت سی جدید چیزیں آ چکی ہیں, بہت سی مطلب آبویسلی ترقی ہو چکی, تو اس ٹیکنالوجی کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے پولیسنگ میں, اور کیا یوز کیا جا رہا ہے یا نہیں, یہ آپ سے ضرور جانیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. تھانہ کلچر کی میں بات کری تھی شوکت صاحب, اور حکومت کی طرف سے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ تھانہ کلچر ختم کر دیا, ہم نے قابو پا لیا. آپ کو لگتا ہے تھانہ کلچر ختم ہوا؟ نہیں, یہ ایک مس نومر ہے. بات یہ ہے کہ کبھی حکومت ماڈل تھانے بناتی ہے, کبھی کہتی ہے تھانوں میں فلانا افسر مقرر کر دیا, کبھی کچھ کر دیا. دراصل ہونا یہ چاہیے کہ ماڈل تھانوں کی ضرورت نہیں ہے میری نظر میں. یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فرسٹ رسپونڈنگ سسٹم ہے, جس کی طرف اب حکومت پنجاب بہت توجہ دے رہی ہے, اور کئی بلینز روپیز کے ساتھ ایک مرکزی کنٹرول روم لاہور میں بنایا جا رہا ہے, اور پھر بتدریج اس کو دوسرے میں بڑھائیں گے, اور شاید خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی اس طرح سے کچھ سوچ بچار کر رہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ 15 جیسے ہمارا وہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے, تو آپ اس پہ کال کریں تو پولیس آپ کے دروازے پہ آ جائے. کیوں ایک شہری جائے تھانے میں؟ تھانے میں شہری کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی کمپلینٹ کو وہیں پہ لیا جائے, اور پھر جو بھی اس کی تفتیش تحقیق کرنی ہے, جب بھی اس کی ضرورت ہو اس کے گھر پہ جائے اور اس سے بات چیت کر لیں. لیکن یہ پوسیبل رہے گا؟ ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ساری دنیا میں آپ پولیس کے جو اسٹیشنز ہیں, یا کہیں ان کو سب ڈویژنس کہتے ہیں, کہیں ان کو کوبان کہتے ہیں, کہیں ان کو پولیس اسٹیشنز کہتے ہیں, کہیں ان کو پریسنکٹس کہتے ہیں, ان میں آپ جائیں تو وہاں آپ کو کوئی عوام نظر نہیں آتی. وہاں پولیس والے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اکا دکا کوئی کمپلیننٹ, وہ بھی ایسا جو کوئی ٹورسٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا لوگ ہوتا ہے جو وہاں کے رہائشی نہیں ہوتا, وہ وہاں پہ آپ کو موجود نظر آتا ہے, کیونکہ وہ کال نہیں کر سکتا کہیں پولیس کو, اور اس کو وہاں آنا پڑتا ہے. ادروائز جو وہاں کا رہائشی ہے وہ, اور جہاں پہ اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ پولیس کو کال کرتا ہے, پولیس وہاں جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت آئیں گی جب کہ ٹنیور آپ کا فکس ہوگا پولیس کا, اور پولیس اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ایک تو اپنی ہرارکی کو, ٹھیک ہے, اور دوسرا اوور سی باڈی جو کہ آپ عوام کے منتخب نمائندے اور نامینیٹڈ نمائندے کسی پروسیجر کے تحت آئے ہوئے, ان کو جب وہ جواب دہ ہوگی. سب سے زیادہ جواب دہی تو لاز آف لینڈ کو ہوتی ہے, یعنی عدالتوں کو, انڈیپینڈنٹ عدالتوں کو ہوتی ہے. لیکن ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا ہے, آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ وکلا جتھے کی شکل میں چلے جاتے ہیں, اور وہ پولیس والوں کو بھی مارتے ہیں, ججوں کو بھی مارتے ہیں اگر ان کی مرضی کا. یہ تو ایک دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو اگر سنا جائے تو وہ پولیس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں, تو یہ تو ایک الگ بحث ہو گئی. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے کام پنجاب پولیس تو بہت کر رہی ہے, جیسے کنٹرول روم کی آپ نے ذکر کیا, پھر 15 کے ساتھ ایک اور میسیجنگ سروس بھی شروع کی گئی ہے 8330, جس پر بہت جلدی بہت کوئک ریسپانس. ان کا یہ جو نیا جو سینٹر بن رہا ہے اس میں ساری انٹیگریٹڈ ہوگی, جس میں 1122 فائر بریگیڈ,
पुलिस और रेस्क्यू ये सारे काम जो है इंटरकनेक्टेड ये इंटरकनेक्टेड होंगे और एक जगह से कंट्रोल होंगे। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल इसमें किया जाएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी यहाँ से जाएगा, ट्रैफिक का कंट्रोल भी वहाँ से किया जाएगा। ट्रैफिक की तो सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है। हाँ जी, ये आपको फिर ये जो होता है कि कभी इशारे बंद हैं, कभी कोई वीआईपी मूवमेंट है, तो इसकी कबाहत से फिर शहरियों को नहीं गुजरना पड़ेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई, अब हम डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं, हम फॉरेंसिक लेबोरेटरी हमारी मौजूद है और उसमें भी हम इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं केसेस की। आपको लगता है इससे जो है वो इंसाफ की फराहमी बेहतर तौर पर हो सकती है? सीमल, आपने बहुत ही एक अहम मौजू को छेड़ दिया है। असल में यही हमारे कानून का सबसे बड़ा सुकम है कि इस वक्त सारी डिपेंडेंस जो है वो ऑकुलर एविडेंस पे है। ऑकुलर एविडेंस कहते हैं ऐनी शहादत के ऊपर कि एक शख्स वहाँ पर मौजूद है, वो कहे मैंने ये चीज़ यूँ होते देखी, और दूसरा कहे हाँ मेरे सामने ऐसे हुआ। जबकि सरकमस्टांशियल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस की वो अहमियत नहीं है कानून की नज़र में जो होनी चाहिए। सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस की बिना पर किसी शख्स को इस वक्त सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? ये कि हमारे कानून में सुकम है, तो ये सुकम सारे दूर करने ज़रूरी हैं और इसमें कानूनी शहादत में आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, जिसमें इन सारी चीज़ों को की एडमिसिबिलिटी को लाना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, तो साइंस एक और बात ये भी है कि कोई कन्फेशन जो मुल्ज़म करता है पुलिस ऑफिसर के सामने, वो एज ए पीस ऑफ एविडेंस कानून की नज़र में एडमिसिबल नहीं है। अच्छा। हाँ जी, जबकि तमाम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में ये एडमिसिबल है। ठीक है, हमारे यहाँ यहाँ पे सिर्फ वो पोर्शन वो भी एडमिसिबल नहीं है अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें और आप नहीं रिकॉर्ड कर लें तो नहीं एडमिसिबल। सिर्फ वो एडमिसिबल है कि अगर वो कहे कि मैंने जो इस जुर्म में पिस्टल यूज़ किया था वो मैंने फलानी अलमारी में रखा है और वो आपके आपको ले जाए और जाके उसको बरामद करा दे, तो सिर्फ इतना पीस ऑफ एविडेंस एडमिसिबल। अच्छा, तो ये इस सारे में एक तब्दीली की ज़रूरत है और फॉरेंसिक एविडेंस पे ज़्यादा डिपेंडेंस की ज़रूरत है इस वक्त, और इसके लिए बहुत सारे कानून में हमें तब्दीली, तभी मेरे बहुत सारे कानून ओवरलैप भी करते हैं। पुलिस में कन्फेस भी कर लेते हैं, मान भी जाते हैं, गवाही भी दे देते हैं पुलिस के सामने, अदालत में जाकर मुकर जाते हैं। वो इसलिए कि अदालती निज़ाम इतना पेचीदा है कि लोग तंग आ जाते हैं, बार बार जाते हैं। आप ये देखिए, हर 14वें दिन जुडिशल रिमांड में एक्सटेंशन की जाती है, मुल्ज़मान जेल में है, उनको सरकारी गाड़ियों में बिठा के अदालतों में लाया जाता है, एक तरह से वो पिकनिक पे आते हैं उस दिन, और वो वहाँ पे आते हैं और वो कई कई जराइम में मुलव्वस होते हैं। सिस्टम की खराबी तो बहुत सी जगहों पर मौजूद है और वो रहेगी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कानूनी सिकम जो है उसको दूर करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक अब हम इतना अगर डेवलप्ड कंट्री की बनना चाहते हैं और हम तरक्की करना चाहते हैं तो फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो हमें सोचना होगा कि लोगों की गवाही, ऐनी शाहिदीन की गवाही और फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जो रिजल्ट्स आते हैं, जो टेस्ट आते हैं, वो कितनी अहमियत रखते हैं और किस तरह से उनका कंपेरिजन होना चाहिए केसेस के हवाले से। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप एज अ चेयरमैन पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल काम कर रहे हैं, तो ये कैसे स्विच ओवर हुआ? उससे पहले आप इंटरव्यू स्विच ओवर नहीं, मैं जब अपनी सर्विस में भी था तो उस वक्त से भी खेलों में फिजिकल फिटनेस की तरफ बड़ी तवज्जो होती थी। हम क्रिकेट भी खेलते रहे, फुटबॉल भी खेला, उसके साथ स्क्वाश भी खेली, मैं आजकल भी खेली आपने? हॉकी नहीं, मैंने हॉकी नहीं खेली। फिर मैंने गोल्फ आजकल भी मैं खेलता हूँ। अच्छा। मैं अच्छा खासा गोल्फ में मैं वक्त उधर लगाता हूँ। तो ये एक ऐसा खेल था जिसमें पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस खेल को की तरफ कोई भी शख्स इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। तो खावर शाह साहब एक हमारे उस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, बाद में डीजी स्पोर्ट्स बने, उन्होंने मेरे पास आए, उनके साथ मेरे अच्छे मरासम थे, तो उन्होंने कहा हम इस खेल को पाकिस्तान में लाते हैं और इसको डेवलप करते हैं। I've interviewed him अब पिछले दिनों, वो भी यहाँ पर। हाँ, वो बहुत, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा डेडिकेटेड शख्स इस खेल की तरक्की में मैंने नहीं देखा। सर, इससे ज़्यादा डेडिकेशन क्या होगी कि हमारी दोनों टीम्स जो हैं, मेन एंड वेमेन, वो बेसबॉल के वर्ल्ड कप में शमूलियत। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि बेसबॉल वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाइंग राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया और हम सितंबर में 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, ब्राज़ील, ग्रेट ब्रिटेन और इसराइल की टीमें होंगी और वहाँ की चैंपियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगी। बिल्कुल सही। तो इस वक्त हमारा दुनिया में नंबर 5वां है और दुनिया में नंबर हमारा 23वां है
और एशिया में नंबर पाँच नंबर पाँचवा है, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका मतलब ये है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों में मैं नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन का कोई बहुत बड़ा कारनामा है। आप ओलंपिक एसोसिएशन के भी तो हेड कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें बेसबॉल के साथ बाकी खेलों की और बाकी जगहों पर जहाँ पर हम ओलंपिक्स में रिप्रजेंट करते हैं या मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या पोजीशन देखते हैं पाकिस्तान? देखिए जी, पाकिस्तान में खेलों को हुकूमत ने बिल्कुल बैक बेंच बर्नर पे रखा हुआ है। तो खेलों की तरफ कतन कोई तवज्जो नहीं है। आप वजीरे खेल जो मरकज़ के हैं उनको किसी वक्त पूछें या मरकज़ के सेक्रेटरी जो खेलों के इंचार्ज हैं उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि हुकूमत उनको फंड इतने देती है जिनका 90% सिर्फ तनख्वाह और अलाउंसों पर खर्च हो जाता है, या वो जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है उसकी मेंटेनेंस पे खर्च हो जाता है। टीमों ने बाहर जाना होता है, मुख्तलिफ खेलों की टीमों के लिए कोचेस दरकार हैं, उनके कैंप ट्रेनिंग होती है। मैं उधर लंदन ओलंपिक्स में देखने पे गया था तो मैंने वहाँ देखा कि जिस खेल में ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल हासिल किया था उसके ट्रेनिंग कैंप ब्राज़ील ओलंपिक्स के लिए फौरन ही बाद में शुरू हो गए थे, यानी 4 साल का ट्रेनिंग। और हमेशा यही होता है सर, और हमारे यहाँ 4 हफ्ते की ट्रेनिंग में नहीं होती और हम उसको तवज्जो नहीं देते, अपने सॉफ्ट इमेज के ऊपर काम नहीं करते। एंड आई थिंक हुकूमत को इस हवाले से अब संजीदगी से सोचना होगा। थैंक यू सो मच शौकत साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करके, और उसके बाद आजकल जो सिस्टम चल रहा है उस पर आपका तज्जिया सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपका। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे अपने शहर लाहौर की और उसकी मुख्तलिफ चीज़ों की जो हम बात करते हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं, शामिल करेंगे सेगमेंट मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। साहब आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है नाज़रीन आज का सरो वाला मकबरा और शर्फ़ उन्निसा के बारे में हम बात करेंगे जिनका ये मकबरा है। हिस्ट्री बताइएगा इसकी क्या है। शर्फ़ उन्निसा बेगम जो हैं वो नवाब अब्दुलसमद खान जो थे ये इनकी बीवी थी। नवाब अब्दुलसमद खान औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में लाहौर आए और औरंगज़ेब आलमगीर कैसे थे, जिस वक़्त इनके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर के बहादुर शाह अव्वल लाहौर से चले गए उसके बाद ये कोई भी मुग़ल बादशाह जो है वो लाहौर नहीं आया और ये दिल्ली से ही हुकूमत करते रहे। अच्छा। तो उस दौर में पंजाब पे जो हुकूमत थी वो नवाब ख़ानदान की थी और टोटल ये आज़ाद थे और इन्होंने शाही किले की बजाय जो अपना सारा मरकज़ था वो बेगमपुरे में बनाया। और बेगमपुरे में वजह ये थी कि हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है वहाँ और नवाब अब्दुलसमद ख़ान हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी अकीदत रखते थे तो उनके मकबरे के साथ इन्होंने अपने महलात बनवाए और जो बेगमपुरा की आबादी है वो नवाब अब्दुलसमद ख़ान की जो पहली बीवी हैं नवाब बेगम जान उनके नाम से बेगमपुरा आबाद हुआ और इनकी ये दूसरी बेगम जो थी छोटी बेगम वो शर्फ़ उन्निसा बेगम ये उनका मकबरा है और बेगमपुरा में ही ये वहाँ पर वाक़ है। अच्छा कहा जाता है कि इन्होंने अपना ये मकबरा खुद बनवाया था। जी इन्होंने अपना मकबरा अपनी ज़िंदगी में बनवाया और मकबरे के गिर्द जो है खूबसूरत बाग भी लगवाया था, जो बाग वो इस वक्त नहीं है, सिर्फ मकबरा की इमारत मौजूद है। ये मकबरा दूसरे जो मकबरे हैं लाहौर के उनसे टोटली जो है ये डिफरेंट है, बिल्कुल इसका अंदाज़ तमीर का मुख्तलिफ है। ये मकबरा एक मीनार की तर्ज पे तामीर किया गया है। अच्छा। और इसके 16 फीट टॉप पे जाके एक जो इसकी हाइट है उसमें इनकी कब्र है। अच्छा। तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने साथ एक तलवार रखती थी और तलवार के साथ कुरान पाक और ये एक सीढ़ी के ज़रिए उस मकबरे का जो वो हिस्सा है जहाँ इनकी तावीज़ है कब्र का जो 16 फुट ज़मीन से बुलंद है वहाँ चढ़ के और बैठ के तो कुरान पाक की तलावत किया करती थी। 16 फुट बुलंदी पर जाकर उन्होंने अपनी तदफीन कराई। यही बात है कि और कोई मकबरा लाहौर का इस तरह से नहीं है। अच्छा। ये वाहिद मकबरा है जो इस तर्ज पे तमीर हुआ और सरू वाला मकबरा इसलिए इसको कहा जाता है कि इस पे सरू के जो पौधे हैं उनकी शक्ल में टाइलों के साथ रंगीन रोगनी टाइलों और में ये उस वक्त ये भी स्क्रीन पर देखे भी जा सकते हैं। जी, ये जी, उस वक्त से जो है जी जी ये उस वक्त से ही ये सरू के पौधे और सरू के पौधों की वजह से ही इस मकबरे को सरू वाला मकबरा कहा जाता है। जी सही। अच्छा क्यों, वजह क्या थी, इन्होंने अपना मकबरा खुद क्यों बनवाया?
इस तरह से खैर तारीख में हमें काफ़ी ऐसे हवाले मिलते हैं जिन लोगों ने अपने मकबरे अपनी ज़िंदगी में बनवाए, उनमें कुछ मर्द हज़रात भी हैं और कुछ ख़वातीन भी। अच्छा, तो एक तो जो क्योंकि ये कुरान पाक की तलावत वहाँ बैठ के करती थी, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कि ये अपनी एक जिस तरह आखिरी आरामगाह के अपने सुकून के लिए या अपनी जो अबदी ज़िंदगी है उसमें कुछ ये महसूस करती हूँ कि मैं इसी जगह पर क्योंकि मैंने दफन होना है तो मैं उस जगह पर इबादत रियादत करूँ, तो शायद अगली जिंदगी के लिए ये कुछ सही, सही, अच्छा काफी नेक खातून थी। हाँ, ये बहुत नेक खातून थी, कुरान पाक की तलावत करती थी, तलवार हमेशा साथ रखती थी। और इनकी नेक सीरत के हवाले से अल्लामा इकबाल ने एक नज़म जो है वो जवेद नामा में शामिल है, इनकी फ़ारसी में एक तवील नज़म लिखी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने इनके बारे में एक ख्वाब देखा और उसमें इनका मुकाम जो था वो जन्नत में बड़े आला मुकाम पे इनको फायज देखा, तो उस हवाले से एक तवील नज़म अल्लामा इकबाल ने इन पे लिखी थी। अच्छा, अभी जो यहाँ पर ये मकबरा है बेगमपुरा में, वहाँ पर इसकी सूरत हाल क्या है, क्या उसकी देखभाल की जाती है उस तरह से? हाँ, इसका ये है कि मकबरा इसका जिस वक्त सिख दौर आया तो सिख दौर, क्योंकि कुरान पाक और तलवार कहा जाता है कि दोनों चीज़ें जो इनके साथ रहती थी, वफात के बाद जो इनकी तदफीन हुई तो ये दोनों चीज़ें साथ दफना दी गईं। साथ ये भी ख्याल था कि इनके पास जो जेवरात थे इनके वो भी साथ ही दफन किए गए, तो सिख अच्छा। दौर में इस ख्याल के तहत कि दौलत और ये सारी चीज़ें और जो तलवार थी वो तो भी मरसा तलवार थी, खेड़ नहीं दिया फिर अगर ये कहा गया कि बिल्कुल जेवरात में दफन है। इस लालच में आके तो सिखों ने जो है वो इस मकबरे के अंदर का जो तवीज़ का जो हिस्सा था उसको जो है वो उखाड़ दिया और उसकी मिट्टी सारा निकाल के तो उसमें ये देखा गया कि शायद उसमें से कुछ मिले, लेकिन तारीखी किताबों से हमें पता चलता है कि सिर्फ कुरान पाक और तलवार ही जो है वो उससे निकली थी। तो इस पे एक तो ये कि सीढ़ी चढ़ने का कोई मतलब सीढ़ी जो लगती थी वो उतार ली जाती थी, और अब भी इस ये वाहिद मकबरा है जिसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, जहां पर तदफीन है वहां पर आप नहीं, कोई रास्ता नहीं है, ना कोई सीढ़ी है ना बनाई गई। तदफीन कैसे की थी? वो आर्टिफिशियल सीढ़ी लगा, वो तो उस वक्त की गई लेकिन उसके बाद आर्जी वो एक सीढ़ी लगाई गई, लेकिन उसके बाद ना तो इसमें तामीर में ये शामिल है और ना ही बाद में वो की गई और ना कोई ऊपर जाता है, यानी 16 फुट जो सिर्फ हमें रास्ता नजर आता है लेकिन वहाँ तक जाता कोई नहीं। और उसके नीचे क्या है? उसके नीचे टोटल जो एक स्ट्रक्चर है इमारत का, एक चार पहलू का एक जो है वो एक चबूतरा समझ लें आप कि वो है। अच्छा, तो लोग जाते हैं वहाँ पर? लोग जाते बहुत कम हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं, ये बेगमपुरा में एक अंदर गलियों में जाके उस वक्त तो खैर ये एक पूरा बाग था और मेन जो जीटी रोड है शालामार बाग जाते हुए उस रोड पे सामने नजर आता था, लेकिन अब क्योंकि इसका बाग खत्म हो चुका है, आबादी बन गई है, तो आबादी में गलियों के अंदर ये एक शालामार बाग के बिल्कुल पास, शालामार बाग से ये पहले आता है बेगमपुरा। अच्छा, बेगमपुरा हम इन हूँ तो अंदर गलियों में जो है वो है। महकमा सारे कदीमा ने 4-5 साल पहले जो है इसकी बाउंड्री की है और बाउंड्री करके तो एक कतबा जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन तहकीकात चिश्ती में इनके बारे में नवाब जकरिया खान जो कि इनका मतलब नवाब अब्दुलसमद खान के बेटे हैं, वो भी लाहौर के गवर्नर हैं, उनकी बहन इनको लिखा है। अच्छा, तो इसी तरह से बाद के कुछ मौरखीन ने इन्होंने नवाब जिक्रिया खान की बहन तहरीर किया है, लेकिन वो गलत है। अच्छा, असल में ये नवाब अब्दुलसमद खान की दूसरी बीवी थी। ठीक है, और इनके जो बेटे थे वो नवाब अब्दुल्ला खान थे, उन्होंने भी रूल किया। जी, वो भी रूल किया, वो भी लाहौर के हुक्मरान रहे। जो जो पहली बीवी थी इनकी नवाब बेगम जान, उनसे नवाब जकरिया खान थे और ये जो थी इनसे नवाब अब्दुल्ला खान थे। अच्छा, तो दोनों जो भाई थे उनका करैक्टर जो है वो टोटल डिफरेंट था। नवाब बेगम जान के बेटे जो थे नवाब जकरिया खान, उनका इंसाफ पसंदी के हवाले से और लाहौर में बड़ा एक नाम हुआ है, और जो इनके बेटे थे नवाब अब्दुल्ला खान, उन पर हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे। उनका दौर जो है वो लाहौर की तारीख का बड़ा ही एक ऐसा दौर गुजरा है जिसको अच्छे लफ्जों से याद नहीं किया जाता। अच्छा, एक नेक माँ के बेटे जो हैं उनकी उनका दौर अच्छा नहीं, उनका दौर अच्छा नहीं, बल्कि वो तारीख लाहौर में वो नाहल और नाकाम तरीन हुक्मरान के तौर पे साबित हुए। अच्छा। और जो दूसरे थे नवाब जकरिया खान, उनका दौर जो है वो बड़ा इंसाफ पसंदी के हवाले से और अमन अमा के हवाले से बड़ा अहम दौर था। अहम दौर रहा, बिल्कुल सही। सो इनकी जो वफात हुई
तो उस वक्त उनके बच्चे जो हैं वो कितने बड़े थे, क्या वो गवर्नर बन चुके थे, वो हुक्मरान बन चुके थे? हाँ, वो हुक्मरान बन चुके थे। और दूसरा ये कि इस खानदान के 5 लोगों ने हुकूमत की, एक नवाब अब्दुलसमद खान, उनके बेटे फिर जो पहली बीवी से थे नवाब जकरिया खान, फिर दूसरी बीवी से जो थे वो नवाब अब्दुल्ला खान, और फिर उनके बेटे शाहनवाज खान। अच्छा, मतलब ये 5 हुक्मरान रहे। और उस वक्त जितनी दौलत जो थी पूरे पंजाब की वो बेगमपुरा में ही थी, और इस तरह से था कि हमलावर अगर आते थे तो उन्हें लाहौर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतनी दौलत थी बेगमपुरा के महलात में कि वो बेगमपुरा तक ही लूट मार करके और चले जाते थे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका राव साहब। एक सरोवाला मकबरा के हवाले से हमने बात की, जिसके बारे में आई थिंक बहुत कम लोगों को जो है वो पता है, क्योंकि इतना अंदर जाकर है और ना उसको उस तरह से मेंटेन किया गया। लेकिन हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है और तारीख हमेशा बोलती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए नासिल। इसी के साथ आप मुझे भी इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।